रोके भाई ट्रैक्टर वाले, रे रोकिए तेरी का। अरे इतना मोटा मोटा सा बांध के ट्रैक्टर चला रहा है जो किसी की आवाज भी कानों में ना जा सके, मारे जाओ। हाँ हम भाई रे, इसने तो पूरी दुतई सी लपेट रखी है खोपड़ी से। यू राजस्थानी आदमी कहाँ से आ गया हमारी यूपी में? अबे क्या मरोगे ट्रैक्टर के नीचे आके, पीछे जाओ। मका स्टेयरिंग घुमा तो खोपड़ी घूम रही दिखे तेरी, इतनी देर से हाथ दे रहा हूँ दिख ना रहा, रोक ले तन्नक। अरे के बात है छोरो, क्यों रुकवा लिया तुमने बीच सड़क पे हमारा ट्रैक्टर? अरे ताऊ पैदल चलते चलते थक गए, थोड़ी दूर को बैठना है। नहीं हम नहीं बैठाएंगे तुमको, हमारी गाड़ी लोड हो रही है, टायर पंचर हो गया तो? देख लो मालिक ने मने नहीं करी, इस मेरे सुसरे ने मुंडी हला दी पहली 400 रुपए के नौकर ने। अरे बड़े आदमी बैठा, तू चाक जैसी खोपड़ी लियो, इसमें तनमन सा भेज जाना है के? कम से कम तू नू तो सोच, आजकल के छोरों में इतना जाथड़ खां हुए जो टेर टीप फट जाएंगे। ये तो ठीक कह रहे हो लाला तम, चलो बैठ लो पीछे। चल रहे झगड़ू मार छलांग। उतार लो सारी नाज की बोरिया, खबरदार अगर कोई भी अपनी जगह से हिला। परेकू मर जा परेकू, कैसा कान पे आके चीख का तेरा सुसरा, अच्छी नींद आ रही गद की लग लग के बोल रहे हरामजादे, तुझे पता नाम डाकू है? मेरा मुँह ते तेरा साला लपेट के मुँह से बहू की धोती और लेके हाथ में कान से ऊंची लाठी डकैत बन रहा। अरे ऐसे डकैत रह गए आजकल, अब तो डाकू हेलमेट ओढ़ के मोटरसाइकिल या कार में बैठ के और पिस्तौल या राइफल लेके चले हैं, और तू लाठी लेके लुटेर करने चला है। साले तेरी इस लाठी को छीन के तेरी कमर पे बजा देवेगा कोई, घर घर कट्टर बंदूक हो रही है आजकल गांवों में। लगता है तुम लोग खुराक खाकर ही खामोश बैठोगे। अरे किधर गया दौड़िया, मारो सालों को। अरे तेरी ऐसी कम तेसी, हमें मारेगा तू? रगड़िए रगड़ू से ठाके छाती के तले। अभी ले आजा भाई खूड में को। हाँ तू भी आजा पोदने। मारो 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 आजा जुल्ले लगन में आजा साले, तुझे भी चटाऊ सीरा सा। भागो रे भागो रे भागो, जाबे मुंडा से ले जा तू ट्रैक्टर को, हमें तो यही उतरना था। अरे लाला थारी बहादुरी देख के तो मन्ने मेरा जानी दुश्मन गोबर सिंह याद आ गया। तुम एक काम करो, तुम दोनों हमारे गांव बाबूगढ़ चलो और डाकू गोबर सिंह को पकड़ के मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें पूरे 60,000 रुपए इनाम में दूंगा। अरे ताऊ हम तो एक एक पैसे को तरस रहे हैं, दोनों बेरोजगार फिरे, तुम हमें 60,000 रुपए दीजो, हमने गोबर सिंह का गोबर सा काट के थारे हाथ पे ना धरा तो हमारा नाम ना। आज तो खैर हमें कुछ काम है, हम कल को आ जाएंगे। बड़े चिकने चिकने छोरे आ रहे हमारे गांव में को। रे रगड़ू, ओ रगड़ू, सुसरे और को हो जाना तो रगड़ देवेगी तुझे पकड़ के, देख ले के हथनी की डाल झूमती आवे। ओए होए ओए होए, के कया? हम क्या कहते मैडम, अर तुम कहवाओ तो और बात है। के मतलब है थारा? मतलब तो वही है, समझ रही होएगी तू। बकवाद बंद कर ले, तू जानता नहीं मेरा नाम लाजवंती है, लाजवंती। कमाल की बात है, नाम लाजवंती और लाज तन्नक सीना, फिर दिखाती गोरी गोरी पिंडलियों को। मका मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे वार हो रही, मैं किसी से फालतू बात ना करती हूँ। हाँ फालतू ना सही, काम की तो कर ले, घना मत बोले ना तो। अरे डार्लिंग क्यों इसके मुंह लग रही है, ये तो पागल है। चल हट मेरा रास्ता छोड़। पर तू कहाँ जा रही है जाने मन? जहन्नुम में जा रही हूँ, बोल चलेगा मेरी गैल?
मका मेरी बुलबुल, इतनी तावड़ी मुझे गेल क्यों लगा रही है? वहाँ तो तेरा खानदान ठीक रहेगा, ले जा सबे पकड़ के। ए बकवाद कम, काम घना, समझा, चल हट। समझ तो मैं सारी रहा हूँ, पर के करू, बिराने गांव में आ रहा हूँ, रह गया खून का सा घूट पी के। भाई झगड़ू, छोरी तो सेक्सी सी लगे यू। हम भी यार 500 छोरियों के तो हाथ में मारू दिन भर में, यू तेरी साली मेरी खवा मारगी। मैडम मैडम तन्नक रुको तो, यू जो मेरा यार झगड़ू है ना, इसका नाम ही झगड़ू न्यू धरा गया है, अब यू हर आदमी से झगड़ा कर बैठे है। अच्छा न्यू बताओ तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जाती, साइकिल सीखने जा रही हूँ। बुग्गी में न्यार ढोते ढोते निरे दिन हो गए, अब साइकिल सीख के उस पे ज्वार की गड्डी धर के लाया करूँगी। क्यों, कैसी कही? हाय मर गया। ले भाई रगड़ू, इसे कहवे अगोद में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे जब तने साइकिल सीखनी है तो फिर गांव छोड़ के आन गांव क्यों जा रही है? देख साइकिल तुम्हारे दब धोरे खड़ी है तेरे सामने, और मैं केला ही चार तरह की साइकिल चलानी जानू हूँ, कैंची की, डंडे की, गद्दी की और केरियल की, बता कौन सी सीख के? अच्छा चल तो मुँह के देख रहा सीखा। हाँ एक मिनट, पहले नू बता कई और से तो ना सीख की तन्ने? दिखे सीख की सिकाई को ना सिखाता हूँ, यू मेरा नियम है। अरे पागल, मैंने किसी से भी ना सीखी आज लो, पहली बार हैंडल पकड़ा। बस तो वार क्यों कर रही है बेट, डंडे पे टांग चोड़ा के। ए थोड़ी सी पीछे को हो, अब आगे को हो। आए हाय, यू के कर रहा? स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे इजियट, साइकिल कहीं स्टार्ट हो वे? अब बैठगी तो चुपकी बैठी रहे, लुगाई का यू धर्म होना चाहिए, अक जिसके बैठ जाए उसके ही बैठी रहे वे। चल रे रगड़ू, मार धक्का। ए हंसा। अरे मैया मरगी। मरी ना, साइकिल सीख गई डार्लिंग। अरे भोड़ में जावे तू और तेरी साइकिल, टूट गा मेरा पाम, मैं तो चली। अरे लल्लू राम, क्या लाया है? कल लाया हूँ। अबे कुत्ते के बच्चे, डाकू के खलखावे हैं। अजी हम तो न्यू सोचे हैं, अब जब ये डाकू आदमी होके भी ढोरों की ढाल मोटे हुए रहे हैं तो जरूर खलबाट खाते होंगे। तू क्या लाया रे गरीब दास? 3 बरस पुराना अनाज लाया हूँ, जो बीज रहा है सुरैरी लगी हुई है। अबे साले, बीज जावा अनाज खिला कर क्या हमारे पेट में दर्द करवाएगा? दो बात तो बिल्कुल नहीं होती भाई, एक तो हराम का खाने वालों के पेट में दर्द नहीं होता, ना तो देश में से के दुनिया में से रिश्वत और दलाली खानी बिल्कुल ही छूट जावे। दूसरे चोर और डाकू डकैतों को सांप और बिच्छू नहीं खाते, ना तो बिन मारो एक चोर रोज मरा पावे कोठे के पीछे। हराम जादे, बोलने से पहले ये तो सोच लिया होता कि तू बोल किस तरह है। डाकुओं के सरदार गोबर सिंह के दाएं हाथ ग्वालियर से, मारो साले को। आजा, अरे तेरी तो ऐसी तैसी। कितने जने थे? अजी भगवान जाने, साले जन किस किस के जने हुए थे। भेड़िए की डाल टूट पड़े हम पे, और सुकर मानो साले दो ही थे, ना तो मार देते हमें तो। सूर के बच्चों, वो दो और तुम 3, फिर भी डर के भगियाए, करवा दी मेरी तोहीन, यूं सोच के आए होगे
सरदार गोबर सिंह तुम अपनी गोदी में बैठा लेगा। यो जो आज की बात है यो बड़ी लिहाज की बात है। अरे ओ लांबा साले लंबा कर दूंगा एक लाठी में जो बोल की गैल ना बोल लेगा। अजी बोलते रहे हम सरदार, बोल लो क्या बात है, खामोखा बड़बड़ाओ तुम तो। गवर्नमेंट ने इस गोबर पे कितना इनाम बोल रखा है सरदार। और तो कुछ मुझे याद ना, पर तीन झोटी लेन आ जाऊंगी इतने पैसों में। और यू इनाम इसलिए है अग जब भी बारह बारह कोस दूर किसी की लुगाई वार सवेर आने पे अपने लोग से झगड़ती है तो लोग न्यू कहता है अरे चुपकी हो जा रांड, ना तो आ जाएगा गोबर सिंह सांड और ले जाएगा तना को भभकती लान टेन सिंह उठा के। और ये तीन हराम जादों ने गोबर सिंह का नाम पूरा मिट्टी के बजाय गोबर में रला दिया, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लांबा ओ लांबा मेरे सुसरे पहले तू ही लंबा करना पड़ता दिखे। अरे मेरी लाठी ला और इनके हाथ पांव बांध। अजी इतने धवल ना, ये इन्हें तो तुम खुले हाथों ही मार लोगे। हाथ बांधने का मतलब तो यू है कि अब कहीं पिटने वाला छो में भर के पीटने वालों को ही ना रगड़ दे। अरे लांबा आज मैंने कुकड़ी की तरह छेद छेद का मारूंगा। अजी हम माल लूट लूट के लावे थे जब तो तुमने एक दिन ना मारे, आज खाली हाथ आ गए तो हमें मार रहे हो, युगा का इंसाफ हुआ। आराम जादो गोबर सिंह ना माफ करता है और ना इंसाफ करता है, वो तो थारे जैसे हराम खोरों को जड़ से साफ करता है। ए युल्ले अरे मैया तोड़ दिया मेरा तो हाथ। ए हाय राम मेरा तो सिर फोड़ दिया। हाय लावे तो कान तोड़ दिया। अरे किंगे बड़रा छलिया छल दे, माँ का दूध पिया तो बाहर निकट गया। अजी सरदार माँ का दूध कहाँ मिले आजकल, आजकल तो सब छल्ली का दूध पिए। अरे तो चुपका हो जा, ना तो तेरी हीक में दे दूँ खोदा भी, मैंने छलदेव सिंह से बात करनी है। कहाँ है रे तेरे वो स्टेशन कुत्ते जिन्हें तो हमारे कठवाने खातर लाया था। गोबर सिंह मैं यूं खड़ा दीवार पे तेरा काल बना। दत तेरी का, यूं नजले का मरी मारेगा मैं, पकड़ लो रे इसे। कहाँ है रे मरीज नंबर दो, आवे दे तू तेरी यार की कोख में लाठी का खोदा। नहीं आजा आजा खांसी के मरीज आजा। देख क्या गांव वालों यही कार्टून आए थे तुम्हें गोबर सिंह से बचाने को, एक सुसरा खांसते खांसते धूरा हुआ जावे और दूसरे की नाक थम होना थमरी। गांव वालों तुम गौर से सुन लो, मैं डाकू हूँ पर उन नेताओं से अच्छा हूँ जो थारी वोट लेकर थारा ही खून पीवे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पे तुम आपस में लड़वा में हैं और मैं हर महीने थारे से एक एक बोरी नाच के ले जाऊँ तो क्या बुरा करूँ। सरदार क्यों खामू का टाइम खराब कर रहे हो, जल्दी करो जो करना है इनका, जो ये छूट गया तो तेरी रेल बना देंगे। चल रे मेरे पांव पकड़। आजा मौका मिल गया आजा। मार मारो 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 चौधरी साहब मारे बस की ना है थारी लड़ाई लड़नी, किसी और को बुला लो। भले आदमी मैं निहत्ता का निहत्ता खड़ा रहा, तुम से लाठी मांगी तुमने लाठी भी ना पकड़ाई, तुम तो हमें मरवाने चाह रहे हो। एक काम करो गोबर सिंह को पकड़ने की खातर ऐसे आदमी बुलवाओ जैसे ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम और चंदन तस्कर वीरप्पन, हम पे ना पकड़ा जावे जय राम जी की। अरे लाला मेरी बात तो सुनो, इतने क्यों बिदक रहे हो, तुम्हें पता मैंने लाठी क्यों ना पकड़ाई,
देखिये आज से एक साल पहले इस हराम के बच्चे गोबर सिंह ने मेरे हाथ काट दिए थे। तू तो लाठी पकड़ाने को कह रहा, मुझे तो जंगल के हाथ धोने का भी कलाप हो रहा। अच्छा रे ताऊ, तुम जब ही ओढ़ रहे हो इस लोईसी को, चलो हम वादा कर रहे हैं अब गोबर सिंह को पकड़ के ही जावेंगे यहाँ से। हे भगवान, वैसे तो तू सारी जाने, तेरे से के छुपाना और तन्ने के बताना, पर फिर भी कह के आदमी अपने मन का बोझ हल्का कर लेवे है। दिखे भगवान, अब तो बतेरा गोबर पाथ लिया, बतेरी घास खोद ली कुवारी रह के, अब तो मेरा भी कुछ ध्यान कर ले, बस एक सोहना सा सुथरा सा मलूक सा पति दे दे। हे देवी। अरे देवी मत ना कहवे, देवी तो ब्याई बरी कह जावे, यू तो कुवारी है। अरे तो फिर इसे क्या कहूँ? छोरी कह इसे। ठीक है ठीक है। हे छोरी, मन ने तेरी खातर छोरा ढूंढ लिया है। हैं? पर तुम कौन बोल रहे हो? कौन बोलता, भगवान बोल रहा हूँ। अरे मैया चमत्कार, अब रोले रुक के तो तारे मत ना, कोई नू कहेगा कि भगवान आ लिपटा दिखे इस छोरी से। मेरी बात सुन ले, दिखे मन ने तेरी खातर ऐसा छोरा ढूंढा है, ऐसा छोरा ढूंढा है अब 10-20 छोरियों को नसीब ना हो ऐसा छोरा। अच्छा अजी, के नाम है भगवान जी उसका? उसका नाम झगड़ू है। वो तो रोजाना झगड़े करेगा मेरे से। झगड़ा कोई लोग ना करता, वो तो लुगाई खुद करवावे। जब लोग एक कहवेगा और लुगाई 20 सुना देवेगी तो आपको झगड़ा होवेगा। अब इस बात को सारी दुनिया जाने, अब बीरबानी की जीभ चले और मर्द का हाथ चले, ना तो एक चुप सो बोलने वालों को हरा देवे। हमें तू कहवे अगर लुगाई बोल ले ना, केड़ा नरम हो के आप लोग चुप हो जावे। अच्छा तो तू है यहाँ? अरे गाली के चिपटी रह जावे हैं। मैं भी तो कहूँ, आकाश भगवान इतना लपर लपर क्यों बोल रहा? झगड़ू के बच्चे तने मैं बावली समझ रखी, बैठा रह इस डिब्बे को मुंह से अड़ाए हुए, मैं तो चली। अरे रुक तो सही लाजवंती, मेरी बात तो सुन ले, भगवान का सहारा लेके तो मन की बात कही थी, उसी का तू बुरा मान गई। चल हट। यार रगड़ू, जो तू मेरा एक काम कर देवे तो मैं तुझे कई तो गुटके खवाऊं और एक देसी का पौवा पियाऊं। बता कौन सा काम है? यार उरे को कान कर, यार तू लजवंती की मौसी से मेरे ब्याह की सेटिंग करवा दे। हाँ मुझे मरवा दे, तुझे पता लजवंती की मौसी कितनी मोटी है, मेरे ऊपर बैठगी तो मेरा गोबर लिकड़ आवेगा। अरे तने कुछ ना होवे, तू चला तो जा केड़ा जी करके। देख भाई झगड़ू, थारे झगड़े में यू रगड़ू ना पड़े। ठीक है तो यूँ तो उस वाली बात होगी, अग दो पैसे की हंडिया गई और कुत्ते की जात पिछानी गई। तू तो वो मतलब खोर यार है, अग तू मेरी गेल पिक्चर देख सके, मेरी गेल दारू पी सके, पर मेरा कोई काम नहीं कर सकता। अरे आज तन्नक सा काम पड़ गया तो गेल पड़ी नाटगा। तू यार है, तू तो यार के नाम पे धब्बा है। अरे यार तो ऐसे होवे जैसे फिल्म नसीम में शत्रुघ्न सिन्हा का यार अमिताभ बच्चन था, भूल गा हेमा मालिनी को भी यार के प्यार के सामने। एक यार तू है जो मारे से काम को नाटगा। कान खोल के सुन ले, आज से तेरी मेरी कुट्टी, तू मेरी ओर से मर गया और मैं तेरी ओर से मर गया। अरे क्यों पैंट में से लिकड़ा जावे है? चला जाऊंगा तेरी खातिर तो जाना ही पड़ेगा, मांगूंगा मौसी से तेरे लियो लाजवंती का हाथ। यू ही ना बात। अरे मौसी राम राम। राम राम भैया राम राम, लल्ला कौन है तू? मौसी मैं हूँ रगड़ू। रे रगड़ू है तो फिर खड़ा खड़ा दीवार से पिछुंडा क्यों रगड़ रहा? खाट पे बैठ जा, बता किस काम आया है। मौसी मैं अपने यार की खातिर थारी लाजवंती का हाथ मांगने आया हूँ, तुम अपनी लाजवंती का ब्याह झगड़ू की गैल कर दो। अरे बेटा आजकल तो इतने अच्छे अच्छे नाम चल रहे हैं, जैसे सन्नी बॉबी विवेक अभिषेक गोविंदा अजय, फिर तेरे यार का नाम बब्बा आदम के जमाने का कैसे रहेगा? झगड़ू भी कोई नाम हो। वो तो ठीक है मौसी, पर नाम तो उसका उसके बाप ने धरा, हमने थोड़ी धरा। उसके बाप का के नाम था? अरे मौसी नाम तो नाम, उसके बाप की पता ना अब कौन था, मर गई उसकी माँ ये सब याद करती करती। पर बेटा उसकी माँ कौन थी? अरे मौसी अब तुम ही बताओ, अग आधी रात के टाइम जोड़ की पाल पे पाए बालक की माँ कौन हो सके?
हाय मेरे राम, माँ बाप दोनों ही लापता। अच्छा बेटे, न्यू तो बताओ काम के करे है? काम तो मौसी उसका लोगों की जेब काटने का है, पर अब शायद उस काम को भी ना कर सकेगा। पिछली बार पुलिस ने मार मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। बहुत इलाज करवाया पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। आए, इतनी बुराई है तेरे यार में? बुराई? और मेरे यार में ना मौसी बुराई हो दारू में। इसे पी के हर कोई बहक जावे है। दारू नहीं तो उसकी यारी उस आवारा छोकरी से करवा दी जिसने उसके नाम की थाने में न्यू रिपोर्ट कर रखी है। अक मैं झगड़ू के बालक की माँ बनने वाली हूँ। थू थू थू, अरे मैं इतने खराब आदमी के साथ अपनी छोरी का ब्याह क्यों करवा दूंगी भला। जा, भाग जा तू भी यहाँ से। बड़ा आया यार का रिश्ता लेके, लिकट जा यहाँ से। अरे मौसी, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, धक्का तो मत ना देवे। पीपा रखे ससुरे ने पतना, ऐसे ऐसे ड्रामे करते रहे हैं लोग। गांव वालों, सब ध्यान लगा के सुन लो। मैं आज इस बिटोड़े पे इसलिए चढ़ा हूँ, अगर अपने ऊपर ही मट्टी का तेल गेर के यहीं फुक्के मारूंगा। और जिस गांव में कोई आदमी बिटोड़े में फुक्के मारे है उस गांव की खैर नहीं, क्योंकि जल भुनके मरने वाला आदमी भूत बन जावे है भूत। मैं पहले जलूंगा, फिर मरूंगा, फिर भूत बनूंगा, और इस गांव के एक एक आदमी की नाड़ इस तरह मरोड़ूंगा जिस तरह लोग मूली के पत्ते को मरोड़ दे। अरे यार डरावे तो मत ना। अरे भैया, जल के क्यों मरा है तू? अरे इश्क में जलने से तो जल के मरना अच्छा है। जब प्रेमिका की मार उठ जा, प्रेमिका छूट जा, दिल टूट जा, तो बिटोड़े पे चढ़ो और तेल घेर के जल मरो, और फिर भूत बन के सारे गांव को सताओ। हू 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 हा हा। वारे के वारे, मरना है तो कहीं और जाके मर, मेरे बिटोड़े को क्यों जलावे? पते है मेरे बिटोड़े के 350 रुपए लग रहे हैं। मौसी एक बात सुन ले, या तो आज लजवंती का ब्याह मेरी गेल करने की हामी भर ले, या अपने 350 रुपए के बिटोड़े को सबर कर ले। यू गेरा तेल और यू लगाई माचिस की तिल्ली और यू बना भूत। अरे रुक जा झगड़ू, रुक जा, अभी मत लगावे आग। मका मौसी हम भी भर दे, ना तो यू जल के मर जाएगा, अरे फिर भूत बन के सारे गांव को तंग करेगा। महारा तो हो जाएगा जंगल फिरने जाना भी बंद। अरे मौसी हाँ कह दे, ना तो ये झगड़ू का बच्चा जिंदा जलकर हमारी जान का जंजाल बन जाएगा मौसी। अरे झगड़ू तरिया नीचे को, मैं तैयार हूँ, पर लल्ला तू मेरे बिटोड़े को मत फुक के। अरे बुढ़िया, मैं तेरी गैल ब्याह करने की थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो लजवंती से ब्याह करना चाहूँ। सू झगड़ू, ओ झगड़ू दिखे मत न जड़े, मैं ब्याह करने की खातर तैयार हूँ, उतरिया बिटोड़े से तड़े। बुढ़ा गांव वालों, मौसी को भी मंजूर और लजवंती को भी स्वीकार। रगड़ू, ओ रगड़ू, अरे तू मौसी की गेल ब्याह करेगा? तू उल्लू का पट्टा है तेरा ससुरा? अरे खुद तो छाट ली 16 साल की और मुझे दे रहा 61 साल की। अरे मैं कहाँ ठाव फिरूंगा इस कंडील से। हाय, काश आज मेरा बापू होता तो बेचारी मौसी का भी घर बस जाता और मेरे बापू का भी। अरे लाला झगड़ू, कैसे छाती झांक रहा, कहीं चोट तो ना लगी? अजी इतना मलाल चोट लगने का ना होता जितना बटन टूटने का हो रहा है। अरे कोई बात ना बेटे, हम तुम्हारी नई पैंट बुक सेट सिलवा देंगे। अरे भाई लाना तन्नक लक्कड़ को बुला के। अभी लाया चौधरी साहब। बंदगी चौधरी साहब। भाई बुलक्कड़, तुम्हें इन दोनों छोरों के लगते सीने हैं। जो हुकम चौधरी साहब का। अजी चौधरी साहब, यू कैसे लगते सीवेगा, इसकी टांग तो ना पकड़ रही सत। प्रधान जी, तुम इसे पकड़ कर रखो, अगर गिर के इसकी कुल्ली टूट गई तो और लेने के देने पड़ जाएंगे। मशीन चलातो चलातो इसकी टांग कमजोर हो रही। मियाँ हम तो दूसरों को गिरा कर गिरने वाले आदमी हैं,
जानते हो मियाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के टेलर हैं। हाँ, अंग्रेजों ने तो करा हमारे देश का नाश। जबी तो धोती कुर्ता सीने वाला दर्जी भी दुकान पे टेलर लिखवान लगा, चाहे आती ना उतरपाई करनी भी। लिखे है लेडीज एंड जेंट्स स्पेशलिस्ट। अरे कुछ बात तो अंग्रेजी में उल्टी हो रही है, पर लोग बाग उन पर ध्यान ही ना दे रहे। अरे हमारा देश मरद देश था, भारत, हिंदुस्तान व आर्यवर्त, और मेरे सुसरे अंग्रेजों ने इसे लोग से लुगाई बना दिया। वे कहवे इसे इंडिया, ऐसे लगे जैसे कह रहे हो हंडिया। यार झगड़ू, मैंने तो एक बात सोची है। भाई मैंने तो पूरा यकीन था, अब तू जरूर सोचेगा कुछ ना कुछ उसे देख के। किसे देख के? अरे उसे ही जिसे तन्ने अभी अभी कुतिया का पिल्ला पकड़ के दिया है। अरे मेरे राम, चल मेरी हीरो साइकिल, आज तेरी लाजवंती की लाज खतरे में है। कहाँ भागेगी जाने मान, चल हमारे सरदार के दौरे चल। छोड़ दो मुझे हराम के बच्चों। ले आए लिया इस महलों की रानी को, जंगल के राजा गोबर सिंह के धोरे। कैसे फटफट आ रही है साड़ी, जैसे पिंजरे में बुलबुल फुदकती है। अरे ओ लांबा, सुसरे के एक लाठी में प्राण काट दूंगा, ना तो एक हाँ में बोल जाएगा। जी सरदार, बोल तो रहा हूँ, बोलो क्या बात है। ये बाबूगढ़ वाले अपनी छोरियो को कौन सी साबुन से नहावे है, सारा शरीर संगे मरमर की तरह चमक रहा है बैरन का। खबरदार, जो मेरे हाथ लगाया कमीने। देख छमिया, ज्यादा नखरा करेगी तो ये तेरी धोली चमड़ी है ना, इसे रेगमाल से खुरच खुरच कर काली कर दूंगा। देख गंदे हाथ मत ना लगावे मेरी लजवंती के, ना तो तेरा खून पी जाऊंगा। आलिया नजले के मरीज आलिया, मुझे पता थी अब तू जरूर आवेगा, बांध लो साले को। नहीं नहीं। बड़ी हमदर्दी आ रही है यार की, है बड़ी हमदर्दी आ रही है, आज तेरे यार के आ गई, हम तेरा नाच देखेंगे, चल नाच और गाना गा, हमारा मूड बना। ना लजवंती ना, चाहे सारे बाबूगढ़ के लोगों के सामने नाच लिए, पर इसके आगे मत नाचिए, मेरी नाक कट जाएगी। झगड़ू क्यों झगड़ा ठावे, मार दूंगी दो ठुमके, न्यू क्या करे, अब चोर का चूजे का के भकाना, और वैसे भी मेरी रिहर्सल का टाइम हो रहा, नाचना तो मैं सीख ही रही हूँ, घर ना सही यही नाच दूंगी। यू ही ना छोरिया वाली बात, चल हो जा शुरू। मेरा झगड़ू फंस गया रे डाकू गोबर के जाल में, मेरा झगड़ू फंस गया रे डाकू गोबर के झगड़ू फसा झगड़ू फसा झगड़ू फसा, हाय हाय मेरा झगड़ू फस गया रे डाकू गोबर के जाल में, मेरा झगड़ू फस गया रे डाकू गोबर के जाल में, मेरा झगड़ू फस गया रे। जो फिर मेरा झगड़ू फंस गया रे डाकू गोबर के जाल में, मेरा झगड़ू फंस गया रे डाकू गोबर के जाल में, मेरा झगड़ू फंस गया रे।
के बीच गोबर सिंह, तेरा नाम तो गोबर है ही, पर वैसे भी तेरी खोपड़ी में गोबर भरा पड़ा है। लोग पकड़ के बांध रखा है और लुगाई को नचारा है। अरे इतनी अंधी तो रावण को भी न चढ़ी थी। तू भी आ लिया खांसी के मरीज। सरदार, हमने कुत्तिया के पीछे तो दो दो कुत्ते लगे देखे हैं, पर एक छोरी के पीछे दो दो मुस्टंडे आज पहली बार देखे हैं। मारो सालों को। आजा, तू भी आजा। ए यूले, तेरी तो। मारो सालों को। मारो सर को पटा। आजा झिंगर, तू भी आजा। मर गया। तू भी आजा लेन। मार ला मार ले मार। मार ले। तेरी साले अच्छे से मार रहा है। छाती मार मार कौन सा? मार दे साले पटक दे से। ओ ठग, ओ रगड़ू। दूसिम दूसिम से ताल ना लगे। ले लाठी ले ले। ए यूले। मार रहा मार सुतरा मार। मार साले में कोर जगड़ू वो भाग रहा। मार साले में लाजवंती, तू कहाँ जावे? इस ईट उठाओ। मैं गोबर सिंह के खोपड़े में मारूंगी इसे। आजा साले, तेरी ऐसी सी की। हाँ क्या बात है पोदने सिमल? भाई तू लाजवंती को लेकर जल्दी गांव में चला जा, इसे वहीं छोड़ आइए और लाठी लेता आइए। मेरी लाठी टूट गई। भला रे, ऐसे टाइम पे यार छोड़ जावे? तू भी कैसी बात कर रहा? तावली जा तावली, वार मत न करे। जा लाजवंती, तू भी जा। पर यार मैं तन्ने इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता, दुनिया मन ने ताने मारेगी। अक तू कैसा यार दोस्त को दुश्मनों में घिरा छोड़ के बहू को लेके भाग आया? भाई तेरे में यू आदत बहुत बुरी है, अब तू किसी की सुनता नहीं, अपनी अपनी गावे। जा यार तावली चला जा। जा रही भाभी, तू भी जा। अच्छा ठीक है, तो जा रहे हम। अब आया लाठी लेके। सरदार, एक तो यू खांस रहा, मारो साले को। ले भाई, मरता ना पर खांसी ने मरवा दिया। आजा हराम के बच्चे यूले। घेर लो चार ओर से, आजा कुतंगा। अरे मेरे राम, झगड़ू यार तुझे तुझे रगड़ू की आखिरी राम। सरदार, रगड़ू तो लगा दिया लाइन पे, कर दिया खत्म। वाह मेरे शेरो, यू ही ना बात, बड़ा 30 मार्का बना था ये साला। रगड़ू, और रगड़ू मैं आ लिया हूँ, कहाँ है तू? रगड़ू तो रगड़ दिया, अब तेरा नंबर है। हराम जादे गोबर सिंह, मुझे कसम है अपने यार की। आजा तू भी आजा नजले के मरीज। हराम जादे गब्बर सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे कसम है अपने यार रगड़ू की। साले ने सारे डाकू मार दिए। हराम खाने को गोबर सिंह, मैं तजे भी मारूंगा। रम मर गया मन्ना मारने वाले। आजा। खड़ा हो कमीने, खड़ा हो। तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा गोबर सिंह, जिस तरह तन्ने मेरा यार रगड़ू मारा होएगा। खड़ा हो, खड़ा। We'll be right back.
झगड़ो, यू झगड़ा मेरा है, मेरे से शुरू हुआ था और मैं इसे खत्म करूंगा। इस गोबर सिंह को तू नहीं, मैं मारूंगा। तू अपना काम कर, पकड़ा मैंने और इसका टेंटो दबा के इनाम तू ले ले ना चौधरी ना, इसका गोबर तो मैं ही काट दूंगा। इनाम तेरा और तेरे बापू का लाला, और इस हरामजादे को मरने दे दे, इसे मैं मारूंगा। अरे ताऊ मैं चौकी कह रहा हूँ, यू साला हराम का माल खा खा के सांड हो रहा है, थारे काबू में ना आवेगा, तुम इसका आगे वैसी छोटे से लगो। बेटे सांप जितना छोटा होवे है उतना ही खतरनाक पावे, पीछे हट जा तू। ले तो ना मानते हो तो मारो सुसरे को और किंगे को भगाना, तो मैं दबा लूंगा इसको इस तरह जैसे बिल्ली मुर्गे को दबा ले वे। चल साले। चौधरी तू के मारेगा मने, तेरे तो पहले मैंने हाथ झांग रखे हैं। हरामजादे मैं तुझे हाथों से नहीं टकरों से मारूंगा। ए यू ले, खड़ा हो जा गोबर सिंह, खड़ा हो जा। ओए मैया मर गया, तेरे सुसर की खोपड़ी भी ऐसे हो रही है जैसे पंसेरा बांध रखा हो। ये ले, ये ले, ये हाथ मुझे दे दे गोबर सिंह। चौधरी चौधरी चल दे उसे, मना माफ कर दे, थाई तो टक्कर भी ऐसे लग रही है जैसे कोई बेल पत्थर मार रहा हो। ना ताऊ ना, माफ मत करिए इस हराम खाने को, इसे मार के ही दम लीजिए। ए यू ले, ए यू ले, तेरी मौत का जश्न बाबूगढ़ में इस तरह मनेगा जिस तरह अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में मना था। रगड़ू मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे प्राणों से प्यारे यार, बैठा हो रगड़ू, तू मुझे छोड़ के कहाँ चल दिया रगड़ू? रगड़ू मुझे एक बात तो बता दे। ए यार ये बता, हुई कौन सी खता? ए यार ये बता, हुई कौन सी खता? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? ए यार ये बता, हुई कौन सी खता? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? काम ये भी कर जाऊं, जी पाऊं कैसे बिन तेरे? दे बाहम दम मुझे मेरे, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? ए यार ये बता, हुई कौन सी खता? क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह? क्यों मुझे
चल दिया इस तरह। छत्ती बस यूं ही मेरी फट जावेगी, छत्ती बस यूं ही मेरी फट जावेगी। तड़पावेगी प्रीत पुरानी बुझे मुन्ना बाज सिहानी, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह। ए यार ये बता कोई कौन सी खता, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह। ए यार ये बता कोई कौन सी खता, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह, क्यों मुझे छोड़ के चल दिया इस तरह।